उसी समय यशोदा मैया कहीं से आ गई। अब यशोदा मैया के पांव के पैजेब की आवाज कन्हैया ने सुनी। कन्हैया समझ गए आज तो निश्चित पिटेंगे, बाहर से तो बच यहाँ क्या बताएंगे। तो सामने एक शीशा था बड़ा सा दीवार से लगा हुआ, कन्हैया ने शीशा को पकड़ लिया, जोर से चिल्लाया मैया दौड़ के आ, दौड़ के आ, दौड़ के आ, देख भीतर चोर घुसा है, मैया दौड़ के, किधर है चोर। भगवान ने शीशा में अपने आप को दिखा के कह दिया मैया देख ये है चोर। अच्छा बेटा ये चोर है? हाँ मैया बहुत बड़ा चोर है। अच्छा बेटा मैया देख जैसे मैं बोलता हूँ मेरे को चिढ़ाने के लिए वैसा शीशा जैसे भगवान बोले ऐसे देख मैया मेरे को चिढ़ा रहा है, अभी इसमें दो थप्पड़ लगाऊंगा। मैया ने कहा अच्छा मेरे बाप ये चोर है तो तू कौन है? भगवान ने कहा मैया मैं हरिश्चंद्र का बाप हूँ। अच्छा बेटा तू चोरी करने भीतर नहीं? मैया मैं कसम खाता हूँ मैं चोरी करने नहीं आया। अच्छा बेटा चोरी करने नहीं आया बेटा तो तेरे हाथ में माखन कहाँ से लग गया? मैया बोला आप तो पकड़े गए, कन्हैया बोला आप तो पकड़े गए, मैया पक्का मारेंगे। सो लिपट गए कन्हैया मैया से और गाल चूम के बोले देख मैया तू बहुत तोली है, जिस समय मैं चोर को पकड़ने आया ना तुमने जो हाथ में मेरे सोने के कंगन पहनाए हैं दोनों में जाने कैसे गर्म हो गए, अब यहाँ पानी था नहीं मैं सोचू कंगन कहाँ ठंडा करूँ कहाँ ठंडा करूँ, कुछ दिखा नहीं मैया इस मटकी में माखन दिखा तो मैंने कंगन ठंडा करने के लिए दोनों हाथ डाल दिया और मैया माखन लग गया। मैया ने अच्छा लल्ला लल्ला एक बात और बता, हाथ में तो कंगन ठंडा करने के लिए माखन लग गया ये तेरे मुंह में कहां से लगा? मैया को लगा आप तो कन्हैया को लगा आप तो फंसे मैया पक्का मारेंगे। कन्हैया ने कहा मैया सुन जिस समय मैं कंगन को ठंडा कर रहा था ना ये बिटिया को बैठाइए इसकी बच्ची है प्रेम से कहो राधे राधे। कन्हैया ने कहा देख मैया जिस समय मैं कंगन को ठंडा कर रहा था ना माखन में हाथ डाल के उसी समय एक चींटी पता नहीं जाने चढ़ते 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 मेरे होठ के पास पहुंच गई और होठ को काटने लगी। मैंने सोचा क्या करूं, जिस होठ को प्यार से मेरी मैया बलैया लेती है मेरी मैया चूमती है जिस छोटे से कन्हैया के होठ को उस होठ को कोई चींटी काटे, मुझे मैया बड़ा गुस्सा आया चींटी के ऊपर। मैंने आओ देखा ना था माखन की मटकी से दोनों हाथ निकाले चींटी को मारने के लिए इस हाथ से एक मुक्का चींटी को जड़ दिया इस हाथ से एक मुक्का जड़ दिया। मैया चींटी तो मर गई पर हाथ में लगा माखन होठ में भी लग गया। मैया ने कहा बेटा तुझसे कोई नहीं जीत सकता। मैया ने कन्हैया को गले से लगाया। एक दिन कन्हैया फिर गुस्से हैं मैया से थोड़े नाराज थे, अजिया सास के टाइम की मटकियां भगवान ने सब फोड़ डाली हैं। यशोदा मैया बहुत रुष्ट हुई। यशोदा मैया ने कन्हैया को रस्सी से बांधा है उखल में बांध करके। यशोदा मैया चली गई है यमुना जल लेने के लिए। कन्हैया उखल को घसीटते हुए घर के बाहर जैसे आए दरवाजे पर दो यमलार्जुन के वृक्ष थे, भगवान उन दोनों के बीच से निकले हैं, दोनों वृक्ष गिरे हैं, दो महापुरुष प्रकट हुए हैं, दोनों ने हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करी। राधे कन्हैया वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया हस्तौ चकर्म सुमन सब पाद योना स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सदा दर्शनेषु भवतनु। हे कन्हैया ये श्लोक बहुत अच्छा है। ये दोनों महापुरुष कहते हैं हे सरकार मेरी वाणी हमेशा तुम्हारी कथा गाए तुम्हारे कीर्तन को गाए, हे कन्हैया मेरे कान हमेशा तुम्हारे भजन सुने, हे कन्हैया मेरे पैर हमेशा तुम्हारे धाम को जाएं, मेरे पैर हमेशा तुम्हारे भजन में नृत्य करें और मेरे हाथ हमेशा तुम्हारी पूजा करें, बस यही आशीर्वाद देना। भगवान ने तथास्तु कह के भेजा है। भगवान 4 साल के आज हुए हैं, रोज गोकुल में उत्पात होता है, आज गोकुल छोड़कर के सभी ब्रजवासी सभी गोकुलवासी वृंदावन जा रहे हैं। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यात्री प्रणवीरुढ़ा सब वृंदावन पहुंचे हैं, झोपड़ी छोटी छोटी बनाई है, सब वृंदावन रुक गए हैं। एक बार सभी कही राधे राधे, बस 2 दिन की बात और रह गई, परेशान नहीं होंगे 15 से 20 मिनट हम परसों के बाद ना आपको गाने को कहेंगे ना ताली बजाने को कहेंगे ना राधे राधे बोलने को कहेंगे।
परसों के बाद तो आप सभी के लिए मेरी लाइन होगी, बादल आएंगे तो बरसात होगी, बादल आएंगे तो बरसात होगी, और रही जिंदगी तो मुलाकात होगी, रही जिंदगी तो मुलाकात होगी। बस परसों तक की बात है, परसों के बाद आपको गाने को कहें, ताली बजाने को कहें तो आपके सबसे बड़े दुश्मन कहलाए। अभी मेरी कथा कहीं हो रही थी पीछे, तो वहां कथा जैसे परसों यहाँ विश्राम है ना, ऐसे तीन दिन कथा के रह गए, और एक माता जी मेरे कमरे में आई, मेरे से बोली सत्यांशु जी आपके जाने के बाद आपकी बड़ी याद आएगी। सत्यांशु जी मैंने सुना परसों आपका अंतिम दिन है। मैंने कहा भैया आपको कैसे पता चला कि मेरा अंतिम दिन है? मेरा नहीं, कथा का। अच्छा, कथा का अंतिम कहना गलत है, शब्द ठीक नहीं, कथा का अंतिम नहीं होता, कथा का विश्राम होता है। यहाँ कथा रुकेगी और पांच को यहाँ रोकूंगा, छह को चलूंगा, सात को पहुंचूंगा, आठ से जौनपुर में शुरू कर दूंगा, उधर उधर पंद्रह तक रहूंगा, सोलह को चलूंगा, सत्रह से बिहार शुरू कर दूंगा, उधर तेईस तक रहूंगा, तेईस को उधर से चलूंगा, चौबीस से सीधी आपके पड़ोस में ही है, उधर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं परिहार साहब, उनके यहाँ चौबीस तारीख से भागवत की कथा, चौबीस से एक तक, एक को वहां रोकूंगा, तीन जनवरी से नागपुर के बगल में एक जगह गोंदिया है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, गोंदिया में तीस से दस तक, फिर बीच में सात आठ दिन का गैप है, उन्नीस तारीख को मुंबई पहुंच जाऊंगा। तो कथा रुकती नहीं है, कथा का विश्राम होता है। क्यों? क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहां ही सुनाई सब संत जिस दिन हरि जी तेरा दर्शन होगा, जिस दिन हरि जी तेरा दर्शन होगा।